Doing well. Uh, oh, voice is clear, sir? Yes, yes. Okay, okay. I, Gupta, on behalf of Fateshan College for Women, Hisar, welcome all the participants and our respected guest of honor, Mr. Amitabh Kumar, to this national webinar on social media for social change. Our guest of honor is the founder of Social Media Matters. Mr. Amitabh Kumar has studied microsystem techniques in Freiburg, Germany, but his core inclination remained towards activism for gender rights and online safety. He has done gender sensitization trainings with cops, government officials, and civil society organizations across the country. He is the creator of Social Surfing and Twee Surfing, which has extensively and extensively worked on resolving the online safety issues with platforms like Facebook and Twitter, and also acts as an advisor to them concerning online safety of the users. Under his leadership, more than 400 workshops on online safety across the country were successfully conducted. We welcome you, sir. I'm very thankful to Mr. Amitabh Kumar sir your last session was also very wonderful because of your informative session and your kind uh, session so students were so influenced that they asked for another session of yours and we are very thankful to you sir that you again joined to us thank you thank you so much sir now i hand over the mic to mr amitabh kumar we welcome you sir again thank you sir थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स वर्ड गुड मॉर्निंग एवरीबडीन सी ऑल दमेंट्स जस्ट लाइक लास्ट टाइम सबसे पूछना चाहता था वट वुड बी मोर कम्फर्टेबल इंग्लिश और हिंदी सो प्लीज इन दमेंट सेक्शन

द टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन इज सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया जस्ट कुट टू ओवर हियर इन दैट बॉक्स एंड फिर हम लोग आगे देख सकते हैं कि आपने से कितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक पे कौन कौन लोग हैं इंस्टाग्राम ट्विटर इस सब का इस्तेमाल कौन कौन कर रहे हैं आप लोग जो चैट बॉक्स है यू कैन जस्ट राइट इट देयर सो दैट आई कैन यू नो जस्ट गेस हाउ मेनी ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स आर यूजिंग सोशल मीडिया ओके आचल इज यूजिंग सोशल मीडिया एनीबॉडी एल्स सुशील आल्सो गुड मोहित मोनिका एज वेल ट्विंकल शकुंतला ऑलराइट Diksha is not using it. Interesting. Manisha also not. Okay. Okay. Recently deactivated my account from Instagram. Uh, Manjeet is not. Monica is. Muskan is. Pravesh as well. Okay. I think uh, by guessing with your answers, about uh, seventy-five percent of us are using social media. एंड ट्वेंटी सी हाउ वी कैन यू नो लुक इन टू दोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो इसके बारे में जानते तो है ही आप लोग को क्या लगता है कितना प्रतिशत इस्तेमाल होता होगा सोशल मीडिया का समाज सुधार के लिए और वॉट परसेंटेज ऑफ सोशल मीडिया इज एक्चुअली यूज फॉर सोशल चेंज वॉट आर यू थॉट अबाउट दैट जस्ट गिवी नंबर फ्रॉम टू हंड्रेड यू कैन चूज एनी नंबर

Uh, आप सब लोग के आंसर्स से बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है इट इज वेरी ऑप्टोमिस्टिक वॉट ऑल ऑफ यू आर से ऑनेस्टली अगर आपको मैं बताऊ तो सिर्फ एक प्रतिशत सिर्फ एक प्रतिशत सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज के लिए होता है लाइक टू हेल्प पीपल मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट

voice is not clear voice is not clear audible एक बार ये भी चेक कर लेते हैं वॉइस सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है मुस्कान को तो क्लियरली नहीं आ रही है अभी क्वेश्चन बदल गया है सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली यस या नो यस सर ओके यस 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 ओके ओके यस सर ओके वॉइस इज क्लियर ऑल राइट प्रीति का रजिस्ट्रेशन नंबर टू फिफ्टी वन है सब लोगों के लिए ऑल राइट परफेक्ट सो वॉइस इज क्लियर दैट इज ग्रेट नाउ विल गो बैक टू माई अर्लियर क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पूछा था क्या आपने कोई भी ऐसी अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया पे देखी है किसी ने भी फ्री माइंड रेज हैंड ओके नो 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 डोंट रिमेंबर नो सर नो नो ओके नो सर, इंटरेस्टिंग ऑलराइट अह नो 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 किसी ने भी कोई भी सोशल मीडिया पे कोई सोशल चेंज की कैंपेन नहीं देखी अभी तक अरे ये तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है uh, आप में से कितने लोग ट्विटर पे हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर देखी है चलो कोई तो मिला uh, मुक्षिका, कौन सी uh, आपने कैंपेन देखी है ये बताइए हमें आप माइक ऑफ करके भी बता सकती हैं या लिख करके भी हमको बता सकती हैं कि कौन सी आपने कैंपेन देखी है इसके पहले ओके स्टडी अवेयरनेस की देखी थी वंडरफुल इंस्टाग्राम पर बिल्कुल एक छोटा सा हैश है जिसको मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा सर्च करने के लिए मैंने ये चैट में डाल दिया ब्लड मैटर्स कोई गेस कर सकता है ये कैंपेन किस चीज के बारे में होगी या इस हैशटैग को कभी आप लोगों ने पहले देखा है चलिए जब तक आप लोग इसको सर्च करते हैं मैं आपको बताता हूं ब्लड मैटर्स एक कैंपेन है बिल्कुल 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 एकदम राइट uh, मोक्षिका ब्लड मैटर्स इज रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन कैंप ब्लड डोनर्स ब्लड डोनेशन रक्तदान जिसको कहा जाता है और बहुत ही अच्छी ये कैंपेन है और इसका ईजाद जो है ट्विटर पे हुआ था जिसके अंदर बड़ा सिंपल है किसी को भी ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है तो वो ट्विटर पे लिख देते हैं और ये वाला हैशटैग इस्तेमाल करते हैं ब्लड मैटर्स के नाम से और बाकी लोग आकर के इससे जुड़ जाते हैं इस तरीके को कहा जाता है क्राउड सोर्सिंग राइट ये जरा नोट कर लीजिएगा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसको मैं यहां पर भी लिख देता हूं चैट के अंदर तो वेन एवर यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु यू डोंट नो दैट इज कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग राइट तो सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज का सबसे बड़ा पार्ट ये होता है क्राउड सोर्सिंग का कि मुझे पता भी नहीं वो लोग कौन है मैंने ट्विटर पे लिखा कि मुझे बी प्लस ब्लड ग्रुप की जरूरत है और उसके नीचे हैश डाल दिया ब्लड मैटर्स अपने अस्पताल का नाम अपना फोन नंबर और अनजान लोग मेरी मदद कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का जो सबसे अद्भुत एक तरीके का यूज है द मोस्ट ब्यूटिफुल यूज ऑफ सोशल मीडिया इज गेटिंग हेल्प वाया क्राउड सोर्सिंग राइट आपके शहर में किसी को आपके किसी दोस्त को अभी कोविड का वक्त है प्लाज्मा की जरूरत है राइट right? देन सोशल मीडिया बिकम्स अ रियली नाइस स्पेस टू एक्चुअली गो एंड सर्च फॉर सोल्यूशन आपको खाली एक छोटी सी पोस्ट लिखनी होती है कि uh, मुझे मदद चाहिए ब्लड uh, डोनेशन की एंड यू विल सी हाउ इट वर्स ओवर अभी पिछले uh, चार पांच महीने से जब से कोविड का लॉकडाउन हुआ है हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है माई पिन कोड तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज या घर पड़ता है ये पता है आप लोगों को हिसार बिल्कुल 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 तो एक काम करिएगा सिंपल सा बल्कि मैं आपको फेसबुक पे ढूंढ के ही दे देता हूं अगर हम लोग फेसबुक पे जाके ढूंढेंगे हिसार माय पिन कोड ये रहा ये ग्रुप इसमें नब्बे मेंबर्स भी हैं इस वाले लिंक पे आप सब लोग क्लिक कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि, कि किस तरीके का काम हिसार में हो रहा है एक छोटा सा ही ग्रुप है खाली 90 मेंबर्स हैं जो लोग हिसार में रहते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि Uh, अगर किसी को जरूरत हो भले ही ब्लड डोनेशन की फूड डोनेशन की या किसी और तरीके की गाइडेंस की कोविड को लेकर के तो वो लोग एक हाइपर लोकल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है माई पिन कोड ये हमारा ही प्रोजेक्ट है जो कि देश भर में चल रहा है uh, पूरे इंडिया के 740 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं और इसकी ताकत क्या है क्राउड सोर्सिंग की मेरी कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई जानकारी प्राप्त करनी है मैं इसके ऊपर डाल करके लोगों से मदद पा सकता हूँ जैसे कि बहुत सारी पोस्ट में देखता हूँ कि सबसे अच्छा फोन कौन सा है ये बहुत सारे लोग सर्च करते हैं जब हमारे पास दस बीस हजार रुपए बच जाते हैं अभी दिवाली आने वाली है सब लोग सर्च करेंगे अरे सबसे अच्छा फोन कौन सा है या तो अपने दोस्तों से पूछेंगे या फिर फेसबुक और आ, सर ये एफ बी पर अवेलेबल है ना हाँ बिल्कुल मोनिका uh, ये एफ बी का ही लिंक है आप आराम uh, से इस पर क्लिक कर सकते हैं और uh, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं तो ये एफ बी पे अवेलेबल है क्राउड सोर्सिंग सबको क्लियर हो गया उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहूंगा ओके ओके यस 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 सब लोग इतना यस yes कर रहे हैं तो ठीक है आप में से कोई भी एक जरा अपना माइक ऑफ करके एक बार जरा सब लोग को समझाइए कि क्राउड सोर्सिंग क्या होता है कोई भी कोई भी वरना मैं किसी का नाम ले लूंगा लगता है मुझे ही क्यों किसी को बताना मोहित आप क्यों नहीं बताते कि क्राउड सोर्सिंग का क्या मतलब होता है आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं और हम सबको बता सकते हैं कि क्राउड सोर्सिंग में आपने क्या समझा अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे तक पहुंचाना ये इसका फिफ्टी परसेंट तो सही तो फिफ्टी परसेंट तो जो आपने बात कही वो एकदम सही कही मोहित की आ, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों तक पहुंचाना लेकिन दूसरों से इसका सलूशन भी ढूंढना फॉर एग्जाम्पल डोनेशन राइट अगर uh, आपको एक लाइब्रेरी बनानी है या आपको कोई स्कूल uh, uh, बनाना है या किसी की स्कॉलरशिप के लिए मदद चाहिए तो अपनी प्रॉब्लम आपने बताई कि अच्छा स्टूडेंट है लेकिन गरीब है उसके पास स्कॉलरशिप के पैसे नहीं है और वहीं पे आपने दूसरे लोगों से मदद भी मांगी

जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत सारे लोग करते हैं इंटरनेट पे वो है फंड रेजिंग आप लोगों ने कभी, -कभी कोई फंड रेजिंग का लिंक देखा है मंजीत मनीषा संध्या ऑल ऑफ यू हैीतिशा ने नहीं देखा है रूबी ने भी देखा है ओके okay. आचल right. एजुकेशन हेल्प या बहुत सारे लोग करते हैं नो नो ओके चलिए पहले तो मैं आप लोग को एक लिंक शेयर करता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे कि फंड रेजिंग के लिंक्स uh, होते कैसे हैं देन वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर इन डिटेल तो uh, ये एक ऑर्गेनाइजेशन uh, है जो की uh, बहुत सारा काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में और ये लोग लाइब्रेरीज सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट पेपर ब्रिज और ये इन्होंने एक फंड रेजर शुरू किया सुबह ही मेरे पास आया तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं एक बार दोस्तों ये वाला लिंक खोल के देखिएगा आप लोग ताकि सब लोग को उस पता चल जाए कि फंड रेजिंग के लिंक्स होते कैसे हैं बिल्कुल संध्या वेरी राइट जब भी किसी को जरूरत होती है स्टेट को या पर्सन को तब हम लोग फंड रेजिंग करते हैं आ, भले ही वो बाढ़ के समय हो इट बी ड्यूरिंग फ्लड्स इट कुड बी फॉर एजुकेशन इट कुड बी फॉर अ लाइब्रेरी लाइक द लिंक आई है वेरी वेरी गुड मेथडोलॉजी की हाउ डू यू गेट हेल्प तो एक जैसे की ऑर्गेनाइजेशन है मिलाप इसके ऊपर आप एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अब अब आपने एक लिंक तो बना दिया लोगों तक ये बात आप कैसे पहुंचाएंगे एनी आइडियाज

कॉलेज में लाइब्रेरी को इम्प्रूव करना था और आपको उसके लिए पैसे रेज करने एक लाख रुपए आपको रेज करने तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि एक कंपटीशन बना लीजिए अपने अंदर ही विदिन योर फ्रेंड्स कि मैं दस लोगों को फॉरवर्ड करूंगा या बीस लोगों को फॉरवर्ड करूंगा या तीस लोगों को तो एक तीसरी टर्म फंड रेजिंग के बाद आती है गेमिफिकेशन पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको सुना है ये एक बड़ा ही अद्भुत तरीका होता है किसी भी काम को करने का खास करके सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन वर्ल्ड में कि आप उसका एक खेल बना लो अभी कंपटीशन कर लो कि कितने लोग इस लिंक को भेजेंगे और जिसने सबसे ज्यादा लोगों को भेजा दैट पर्सन बिकम्स अ विनर राइट सो ऑन सोशल मीडिया एज वेल ऑन योर सोशल मीडिया नेटवर्क एक चीज तो होती है कि सब लोगों को मैसेज लिखना खाली लिंक कॉपी पेस्ट करके डाल दिया दूसरी चीज होती है सबको बताना कि वो ये पैसे क्यों दे रहे हैं किसी से भी पैसे मांगने जाओगे तो लोगों को लगेगा अरे क्यों दे भाई कहीं और से ले लो uh, मोक्षिका ने काफी मार्केटिंग टेक्निक टू इनकरेज एंगेजमेंट और सर्विस बहुत ही अच्छा कॉपी पेस्ट था बट हाँ काफी हद तक सही डेफिनेशन uh, uh, है ये वेर वॉट यू डू इज दैट यू क्रिएट एन कॉम्पिटिशन आउट ऑफ अ वेरी सिंपल प्रोसेस तो अगर वैसे किसी से कहोगे कि यार ये लिंक सबको भेज दो तो शायद लोग ना भेजें लेकिन वहीं पर अगर बताओगे कि अरे ये मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी है अगर तुम लोगों तक लिंक भेजोगे देन वी विल बी एबल टू रेज मनी एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइब्रेरी मेनी पीपल विल ज्वाइन इन एंड योर कैंपेन एज वेल बिल्कुल 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 आचल डेफिनेटली लोग बहुत सारे फेक न्यूज और आजकल कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं आ, लेकिन वहीं पर आपको इसीलिए अपना एक छोटा सा अलग तरीका बनाना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को बैकग्राउंड दे कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं खाली उनके पास लिंक जाएगा तो उसको प्रॉब्लली डिलीट कर देंगे लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यार ये एक अच्छी मुहिम है इट्स अ गुड कॉज आई हैव डोनेटेड हंड्रेड रुपीज टू इट वाई डोंट यू डोनेट ट्वेंटी रुपीज एज वेल ज्यादातर लोग उसमें जुड़ जाएंगे किसी की भी मदद करने के लिए आ, अकेले ऐसा लगता है कि अरे हम क्या कर पाएंगे लेकिन इसी आ, आ, क्लास के अंदर अभी पचास बच्चे हैं अगर आप सब लोग एक एक बुक भी डोनेट करो तो एंड में पचास बुक्स हो जाती है जिससे फिर आ, काम आसान हो जाता है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एंड यू टेल पीपल अबाउट इट डोंट जस्ट शेयर अ लिंक बिकॉज खाली अगर मेरे पास लिंक आएगा शायद मैं उस पे क्लिक करू शायद ना क्लिक करू लेकिन अगर आप मुझे समझाओगे कि दिस इज व्हाई यू शुड पार्टिसिपेट या इसका आउटकम क्या है देन मोस्ट पीपल एंड अप पार्टिसिपेटिंग इन अ फंडरेजर और एनी सॉर्ट ऑफ अ सोशल एक्टिविटी आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ऑनलाइन डोनेट किया है पैसे हाँ एक बड़ा अच्छा लिंक विक्रम ने भी भेजा है हरियाणा के सारे जो हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं माई पिन कोड के आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अलग अलग कैंपेन्स चला रहे हैं ऑल्सो टू सेफाई प्रोजेक्ट याटली आई मीन देर आर वेरियस वेज ऑफ अटैचिंग पीपल टू प्रोजेक्ट आई विल जस्ट गो थ्रू कि आप एक कैंपेन बनाते कैसे हैं टोटली लुक इन टू दिटीज ऑफ दैटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है पी एफ फंड कभी किसी ने फंड रेजिंग की है इस ग्रुप में यस नोके ओ पीएम फंड सॉरी सॉरी मुझे भी लगा प्रोविडेंट फंड नहीं चलिए प्राइम मिनिस्टर्स फंड में डोनेट करना अच्छा होता है जब भी देश को जरूरत होती है वहीं से पैसा निकाला जाता है सोशल मीडिया कैंपेन ओके सो अब आपको पेन पेपर की जरूरत होगी इसको लिखते जाइएगा एंड में पूरी की पूरी कैंपेन आपके लिए तैयार हो जाएगी तो स्टेप वन है बहुत ही सिंपल सा एक सवाल जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं why? या अगर हिंदी में कहें तो क्यों कभी भी कोई भी कैंपेन शुरू करने के पहले ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं वाई आर वी डूइंग सोशल मीडिया कैंपेन राइट एंड आई नो अभी बड़ा सिंपल लगता है कि अरे अब, अ, सोशल अवेयरनेस हमको जनरेट करनी है इसलिए हम इस कैंपेन को कर रहे हैं बट जितना ज्यादा आप सोचोगे ना उतना ज्यादा आपके मन में वो आइडिया क्लियर होता जाएगा जैसे कि अभी एक लाइब्रेरी की कैंपेन लेते हैं क्योंकि मैंने उसका लिंक शेयर किया था कि एक लाइब्रेरी बनानी क्यों जरूरी है लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर एजुकेशन मिलती है सेकेंडली एजुकेशन प्रमोट होती है जो कि बहुत जगहों पर नहीं हो पा रही आजकल राइट सो वेन एवर यू क्रिएट लाइब्रेरी इट बिकम्स गेट पीपलेशन रीड विलेज कॉलेज स्कूल राइट सो इट बिकम्स वेरी वेरी क्लियर why we should create a, a library. So for any कॉज be it blood donation, uh, be, be it food donation. कोई भी अगर आप काम कर रहे हो अवेयरनेस कर रहे हो जेंडर के ऊपर अवेयरनेस है तब आपका यह सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए तो अगर आपके पास पेन और पेपर है सबसे पहली चीज इस पर लिख लीजिए वाई राइट दैट यू पुट टुगेदर दिस क्वेश्चन एंड शुरुआत में तो आप uh, बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे लेकिन एंड में एक सेंटेंस हो जाना चाहिए कि हम लोग इसलिए इस कैंपेन को कर रहे हैं ठीक है पहला पार्ट यह हो गया दूसरी चीज है कि हमारा एम क्या है या हिंदी में कहें तो लक्ष्य इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर एम जैसे कि बहुत सारे लोग जब कैंपेन बनाना शुरू करते हैं तो उनका एम होता है कि पूरे इंडिया को हम एक ही दिन में बदल देंगे तो मेरा सजेशन सबके लिए होता है स्टार्ट स्मॉल फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी पहली कैंपेन कर रहे हो तो कोशिश करो कि आई विल विच आउट टू 25 ऑफ माय फ्रेंड्स और 100 ऑफ माय फ्रेंड्स दैट इज गुड इनफ कोई भी अगर आपका आइडिया 100 से 200 लोगों तक पहुंच रहा है वो बहुत बड़ी बात है एक्जैक्टली एम इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड द क्लियर द मोर क्वॉंटिफाइबल क्वॉंटिफाइबल का मतलब जितना आप उसको गिन सकते हो उतना ही आसान उसको अचीव करना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे देखेंगे सोचेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा बट अगर एक कैंपेन आप डिजाइन कर रहे हो और अगर आपको कुछ अचीव करना सो लेट अस से अभी हम एम करते हैं कि हम अपने ही कॉलेज uh, के सौ दोस्तों से एक लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे दैट इज अ वेरी क्वांटिफाइबल एम आई नो वेर आई वॉन्ट टू गेट नाउ कम्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट हाउ या फिर कैसे तो हाउ के अंदर जब भी आप सोचना शुरू करते हो सबसे पहले आप खाली अपने बारे में सोचते हो कि अरे मैं तो अकेला हूं या अकेली हूं ये बात कहां तक हम पहुंचा पाएंगे बट हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क uh, मैपिंग किसी को पता है नेटवर्क मैपिंग क्या होती है एनी आइडियाज व्हाट इज नेटवर्क मैपिंग चलो तुक्का लगाओ कोई नहीं गैस करो गैस करो कोई बात नहीं एक एक करके वर्ड्स को तोड़ते हैं पहले नेटवर्क को देखिए नेटवर्क क्या होता है एयरटेल का है कभी आता है कभी नहीं आता धनाधन जियो का चलता रहता है कनेक्टिंग विद वेरियस पीपल इन डिफरेंट एरियाज लीजिए सिमरन ने तो पूरी पूरा काम ही आसान कर दिया बिल्कुल 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 वेल श्रुति टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर वी कैन रीच मोहित प्लेस सर्च से कनेक्शन वेल सेड आचल दैट इज इट नेटवर्क के थ्रू लोगों को जोड़ना एग्जैक्टली संध्या दैट इज इट तो नेटवर्क मैपिंग बिल्कुल जैसे कि एक मैप बनाया जाता है ना ये रहा Uh, कौन सा मेरा दोस्त है जो कि ग्राफिक बना सकता है उसका नाम लिख लिया कौन सा मेरा दोस्त है जो थोड़ा ये uh, नेता टाइप का है सोशल बी है हु फ्रेंड्स उसका नाम लिख लिया कौन सा ऐसा दोस्त है जो कि uh, पैसे वाला है जो कि हमें फंड कर सकता है उसका नाम लिख लिया एक बार आप सोचना शुरू करोगे ना और लिखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा अरे हाँ वो मेरा जो कजन है वो एक्चुअली ये काम बड़ा अच्छा कर सकता है या वो जो लड़की है वो बहुत अच्छा गाना गाती है मे बी शी कैन हेल्प मी देयर वो फोटोग्राफ अच्छी खींचता है वो वीडियो अच्छी खींचता है सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मैपिंग और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्टेप ऑफ हाउ जितने भी आपके अच्छे दोस्त होंगे कोई ग्राफिक डिजाइनर होगा कोई सिंगर होगा कोई लिखता अच्छा होगा किसी का अच्छा सोशल नेटवर्क होगा फ्रेंड्स so वो एयरटेल की लाइन है ना हर एक दोस्त होता है तो सोशल मीडिया कैंपेन में तो बिल्कुल एंड ऑफ द डे दे आर आर गोइंग टू हेल्प यू आउट राइट तो अब हमारी नेटवर्क मैपिंग भी हो गई एनी आइडिया की नेक्स्ट स्टेप क्या है तीन चार स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा रीजन uh, क्लियर है मेरा एम क्लियर है मेरे दोस्त क्लियर है अब नेक्स्ट चीज में क्या करने वाला हूं कुछ भी गेस्ट करो गैस में भी कभी कभी सही जगह पहुंच जाते हैं स्टार्ट कहां से करें सोर्स कोऑर्डिनेशन अप्लाई करने का प्लान मे बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ टू शेयर Okay, okay. I think Mokshika is the closest right now in what we have to do. This part is called a content plan, right? Or a content calendar. Okay. Spreading the by making plans. Exactly. Planning. अब शुरू होती है हमारी ये तीन चार सवालों के जवाब देने के बाद किसी ने कभी कैलेंडर uh, तो सबको पता ही है कैलेंडर क्या होता है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आपने अपना एम क्लियर कर लिया कि आप कितने दिन तक इस कैंपेन को चलाओगे राइट सो लेट अस से दैट यू हैव जस्ट स्टार्टेड अ कैंपेन और ये आपकी जिंदगी की पहली कैंपेन है तो मेरा सजेशन आपसे होगा चूज बिटवीन इससे ज्यादा मत करना क्योंकि लगता बड़ा आसान है अरे मैं तो ज़िंदगी भर ये काम करती रहूंगी या करता रहूंगा एक साल कैंपेन चलाऊंगा एक महीने कैंपेन चलाऊंगा लेकिन एक कैंपेन को एक दिन भी पूरा चलाना बहुत ही मुश्किल का काम है अनलैस कि आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए सो so वेनएवर वी आर वर्किंग ऑन समी डू अंपेन आई ऑलवेज ट्राई टू की साल हो गए कैंपेन करते करते तो हम लोग एक महीने तक की कैंपेन कर लेते हैं विच इज वेरी लॉन्ग आज इनफैक्ट हम लोग भी एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोग uh, थोड़ी देर में ऑनलाइन देख सकते हैं इसका नाम है सेफ्टी सेप्टेम्बर सो नाओ Uh, कि uh, हमें एक कैलेंडर uh, बनाना है और एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है तो कंटेंट कैलेंडर का क्या मतलब हो सकता है कैलेंडर तो मैंने समझा दिया बट वॉट इज कॉन्टेंट कैलेंडर एनी आइडिया इस वीक में हमें क्या क्या करना है बिल्कुल ये तो एक तरीके की एक्टिविटीज हो गई ज्यादा स्पेसिफिक टू सोशल मीडिया दीक्षा इज हमें इस वीक में क्या क्या शेयर करना है एग्जैक्टली exactly. तो कंटेंट इस टाइप्स के होते हैं कंटेंट इज फोटो वीडियो एक्टली exactly, uh, yeah, right? so, uh, ट्विंकलो सोचना है ऑनलाइन तीन ही तरीके से शेयर कर सकता हूँ फोटो वीडियो या ऑडियो तो मैं इसको किस प्रकार से शेयर करू ये हमको एक छोटा सा शेड्यूल uh, प्लान बनाना होगा कि हम उसको किस टाइम पे शेयर कर सकते हैं अब एनी आइडियाज की अगर आपको अपनी ट्वीट uh, वायरल uh, करनी है या आपको अपना कंटेंट वायरल करना है तो उसका सबसे अच्छा समय कौन सा होता है वॉट इज द बेस्ट टाइम टू पुट अ पोस्ट किसी ने कभी इसके बारे में सोचा है इवनिंग ओके नाइट 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 मॉर्निंग नाइट अच्छा मॉर्निंग नाइट की जगह समय लिख करके बताओ मुझे कितने बजे सात बजे दस बजे रात को दस बजे टेन ए एम टेन पी एम राइट द टाइम डाउन राधर मॉर्निंग एंड इवनिंग टेन पी एम टू वन पी एम ओके सेवन ओ क्लॉक टू नाइन पी एम इलेवन ए एम फाइव टू सेवन रात को ग्यारह से रात को दस बजे दस बजे नौ बजे ओके okay, पांच ग्यारह दस ये सवाल सभी के जो जवाब आ रहे हैं वो सही भी हैं और गलत भी हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की वो है आपका ऑडियंस आप ये कैंपेन बना किसके ले रहे हो अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए जो कि पूरी पूरी रात जागते रहते हैं और ऑनलाइन बैठे रहते हैं या फिर उन लोगों के लिए जो कि खाली ऑफिस टाइम में इंटरनेट देख सकते हैं या फिर उनके लिए जो कि अर्ली मॉर्निंग जागते हैं उनके पास बड़ा समय होता है तो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस आपका ऑडियंस कौन है आप किससे बात कर रहे हो आप ये टाइम डिसाइड करोगे राइट right? Uh, वैसे आप लोग का क्या सीन है आप लोग uh, कितने बजे इंटरनेट पे फ्री रहते हो या कितने बजे इंटरनेट को सर्व करते हो वो लोग जो पूरे दिन इंटरनेट पे नहीं रहते कोई ऐसा समय है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग इंटरनेट पे रहते हैं और uh, इंटरनेट uh, पे इवनिंग ओके नाइट 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 इवनिंग इवनिंग नाइट 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 चलिए तो अगर आप लोग के लिए कोई कैंपेन बनाना होता तब तो आंसर सिंपल है कि हम लोग रात को कंटेंट पोस्ट करते क्योंकि आप सब लोग सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं लगते हैं बट uh, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जल्दी जाग जाते हैं सो डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर टॉकिंग टू योर ऑडियंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर तो नाउ दैट वी हैव कॉन्टेंट टूगेदर नाउ वी हैव आर ऑडियंस टुगेदर एज वेल फाइव ए एम प्रीति एक लौती ऐसी है जो कि सुबह पांच बजे भी उठ जाती है कमाल है सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी नो अबाउट आर ऑडियंस एज वेल राइट कि हम लोग uh, किन लोगों से बात कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग अपना समय ढूंढ करके आगे निकले अब आती है आखिरी चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कंटेंट में बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि हमें कंटेंट को इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग बनाना है राइट right? इसका क्या मतलब होता है इंटरैक्टिव और एंगेजिंग का क्या मतलब है एनी थॉट्स ऑन व्हाट इज इंटर और एंगेजिंग कंटेंट क्या लगता है आप लोग को हम लोग किस तरीके से कंटेंट को एंगेजिंग बना सकते हैं या इंटरक्टिव बना सकते हैं कनेक्टिंग विथ पीपल टोटली नाउ हाउ डू वी मेक दैट कनेक्शन संध्या थ्रू आर कंटेंट ऑडियंस हमारे कंटेंट से रिलेट करे बिल्कुल बिल्कुल सिमरन इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी मेक कंटेंट थ्रू विच आर ऑडियंस रिलेट्स टू अस थ्रू सोशल मीडिया गॉट इट द वे टू मेक कंटेंट कॉन्टेंट और एंगेजिंग टू सिंपल स्टेप्स नंबर वन इज कॉल्ड क्वेश्चन सवाल पूछो खाली ये मत लिख करके दो कि uh, uh, मुझे अपने कॉलेज में एक लाइब्रेरी चाहिए फ्लिप इट द क्वेश्चन क्या हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क क्योंकि सवाल पूछोगे तभी तो कोई जवाब दे पाएगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन ऑनलाइन राधर देन जिस पुटिंग स्टेटमेंट ठीक है फुल स्टॉप से ज्यादा अच्छा है क्वेश्चन मार्क कोशिश करिए कि आपकी पोस्ट के एंड में एक क्वेश्चन मार्क आए राइट जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तभी तो आप जवाब दोगे सो वन पार्ट नंबर टू जो मैं इस पूरी वर्कशॉप में करता आ रहा हूं वो है ओपिनियन राइट right? सामने वाले का ओपिनियन uh, हमेशा मांगते रहो बिल्कुल दीक्षा क्वेश्चन से पता चलता है कि ऑडियंस चाहती क्या है वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट होती बड़ा पैसा उसमें खर्च किया जाता है लेकिन एंड ऑफ द डे ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाती ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आ पाता और उसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि आप लोगों की बात ही नहीं सुनते आप अपनी ही कहते रहते हो um,

ये मैं भी जानना चाहूंगा इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल स्टडी ओके मोक्ष का थोड़ा और थोड़ा और बड़ा बताओ इसके बारे में स्टडी ऑनलाइन स्टडी सुशील इसके बारे में कैंपेन क्या बनाई ये तो एक शब्द बता दिया आपने स्टडी का मेंटल स्टेबिलिटी ऑल राइट आई एम गेसिंग सिमरन यू मीन लाइक मेंटल हेल्थ एजुकेशन का क्या ऐसे बच्चों के लिए ओके ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ओके स्टडी अवेयरनेस फॉर रूरल एरियाज नाउ वी आर गेटिंग समवेयर अबाउट पॉजिटिविटी बिटवीन पीपल गॉट इट अवेयरनेस रिलेटिंग टू कोरोना अमेजिंग अमेजिंग गुड टॉपिक ओके okay, तो दो टॉपिक्स तीन टॉपिक निकल करके आए अभी तक के कॉमेंट से नंबर वन है एजुकेशन अवेयरनेस अराउंड एजुकेशन नंबर टू है मेंटल हेल्थ नंबर थ्री है कोरोना ऑनलाइन स्टडी फॉर चाइल्ड जिनके पास सोर्सेज नहीं है बिल्कुल वाई स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कोविड सिचुएशन में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना यस yes. स्किल्स और गुड पर्सनैलिटी ये uh, रविता ये इंग्लिश वाला और था या हिंदी वाला और था दिस लाइक चॉइस यू वुड लाइक पीपल टू मेक बिटवीन स्किल्स एंड गुड पर्सनालिटी और वॉट इज थॉट ओवर योर हेल्थी अवेयरनेस ओके अवेयरनेस अबाउट हेल्थ लाइक फिजिकल हेल्थ ओके स्किल्स ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट परफेक्ट 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 तो अब एक बार उल्टा चलते हैं जो बातें मैंने बताई थी उसमें जरा ट्राई करते हैं सब लोग ये जो टॉपिक्स आए थे पहले जरा जो हमारा एम है उसको एक से लिख करके दिखाइए मुझे चैट में कोई भी टॉपिक आप इसमें से पिकअप कर सकते हैं एजुकेशन कोरोना मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ स्किल्स और पर्सनालिटी एनी टॉपिक बट मेक एन एम फॉर योर कैंपेन एक पूरा वाक्य एक पूरा सेंटेंस चाहिए मुझे विच इज बेसिकली दम फॉर योर कैंपेन कोरोना को हराना है चलो ये तो स्लोगन हो गया लेकिन ठीक है ये भी अच्छा है स्लोगन भी चलेगा गेट क्रिएटिव लेट अस सी कितना समझ में आया सबको मोटिवेट पीपल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वेरी गुड गुड टॉपिक मोहित मोहित आप वर्कआउट करते हैं बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी कोरोना रिलीफ दैट्स अ गुड हैशटैग टैग तिशा रियली लुकिंग फॉर सेंटेंस uh, हैश बहुत अच्छा होता है लेकिन एक सेंटेंस लिखिए uh, कोरोना में आप क्या करना चाहती हैं किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं ओके लुकिंग फॉर एवरीबडी अवेयर पीपल अबाउट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वेरी गुड बहुत जरूरी है मनजीत स्लोली स्लोली एक जमाना था सबको पता था क्यों जाना चाहिए स्कूल बट यूथ ऑनलाइन लर्निंग ऑपरचुनिटीज अरे बापरे बापरे ये तो तिशा हमारा ही प्रोग्राम है जिसका नाम है योलो उसका फुल फॉर्म यही है यूथ ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उसके बारे में मैं भी सबसे बात करूंगा आप इसका पार्ट तो नहीं है तिशा कहीं आप हमारी कोई इंटर्न तो नहीं है योलो की लो आ ओके वंडरफुल वही मैं सोच रहा था इतनी बार ये शब्द कैसे आ रहा है लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिवली सोचना शुरू करें राधर देन अपनी लाइफ को एंड करने का होप छोड़ दें सिमरन यस सुसाइड अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंटल हेल्थ में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है थैंक यू थैंक यू फॉर रेजिंग दैट ओके लुकिंग फॉर सेंटेंसेस फ्रॉम अदर पीपल एज वेल अगर हमको अपनी कैंपेन का एम बताना है तो वो सेंटेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और सब लोगों को सीखनी चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंगस्ट यंग पीपल और असल में uh, चार महीने से इतनी ज्यादा बुरी खबरें आ रही हैं कि काफी लोग बड़े परेशान हैं बट अच्छी बात यह है कि ज्यादा वक्त गुजर चुका है और बहुत जल्दी कोरोना का जो डर है वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में कम भी होगा तो आई आई होप इट विल बी अ पॉजिटिव स्पेस फॉर मेंटल हेल्थ चलिए तो आप सब लोगों ने अपना एम तो बता दिया दैट इज गुड दैट एवरीबडी गॉट दी एम वॉट स्टेप टू किसी को याद है एम के बाद हमें क्या करना था After we had created our aim, what was the next step? Sir, aaj ke time mein girl education ko ignore किया जाता है। How, how, how? Exactly, exactly, exactly. Okay, so बिल्कुल uh, network mapping and the how. to ab जो आपका topic था, अब आप लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? क्या लगता है आपको? क्या तरीका है? What is the way to go about it? How will we reach out to people? Or राइट निशा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं uh, social media पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर यू नो देर इज फ्लैम बॉइंट लाइफ स्टाइल लोग बहुत दिखावा करते हैं सब लोग मुस्कुराते रहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं बड़े घर होते हैं और सच्चाई कभी कभी दूसरी होती है ओके थ्रू सोशल मीडिया थ्रू व्हाट्सएप तो सोशल मीडिया तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बताओ मुझको इंस्टाग्राम रोड शोज ओके ट्विटर इंस्टाग्राम एफ बी शेयर चैट इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर

आप लोग इंडिविजुअली इस कैंपेन को कितने दिन तक चला सकते हैं जो आपने टॉपिक चूज किया कितने दिन के बाद लोग बोर हो जाएंगे कोरोना के बारे में सुनने से या मेंटल हेल्थ के बारे में सुनने से या फिजिकल हेल्थ के बारे में सुनने से हाउ मेनी डेज कैन यू कीप दिस कैंपेन ऑन टेन डेज वन मंथ अराउंड एट टू टेन डेज ओके

यू you नो know, ये नुआंस uh, वाली बातें या समाज सुधार की बातों से लोग बोर हो जाते हैं uh, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड था या मर्डर था उस पर लोग दो महीने बात कर सकते हैं लेकिन अगर आप कहोगे ना कि एक गरीब बच्ची को पढ़ाना है जरा दो सौ रुपए दे दो तो लोग जल्दी से आपको नकार देंगे uh, हम लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की है uh, बड़े सारे लोगों की मदद करने की uh, और uh, बड़े कम लोग होते हैं जो आगे आकर के मदद करते हैं तो uh,

वातावरण के लिए इट्स गुड टू प्लांट ट्रीज फॉर एनवायरनमेंट यहाँ पर सब लोग हाँ कह देंगे लेकिन फिर धूप है गर्मी है धूल है मिट्टी है कौन आ बाहर आएगा बहुत कम ही लोग बाहर आते हैं तो पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको एक ही बात बार 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 दो सौ बार तीन सौ बार चार बार बोलनी पड़ती है जैसे कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं कि अरे व्हाट्सऐप छोड़ दो थोड़ी देर पढ़ाई कर लो किताब पढ़ लो सो इट्स अ सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड द सेकेंड वन इज अबाउट परसिस्टेंस तो परसिस्टेंस का मतलब सबको पता है क्या होता है डनीबडी और एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस जो दीक्षा ने कहा है पेशेंस रखना और अपने वर्क को इंटरेस्ट से करना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बार बार ये सवाल आपके सामने आएगा कि अरे ये क्यों कर रहे हो छोड़ो कोई और कर देगा ये तो सरकार का काम है ये तो स्कूल का काम है लेकिन कोई भी इसको अपना काम नहीं समझता बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे जब भी आप कोई भी कैंपेन शुरू करोगे तो अ बिग रीजन वाई सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज इतना मुश्किल है कि अगर मैं एक पोस्ट डालता हूं ना कि अरे मुझको दो सौ दे दो एक गरीब बच्चा है उसकी एजुकेशन की फीस चली जाएगी इस महीने की तो शायद दो या तीन लोग उसको लाइक करें वहीं पर अगर मैं एक पिज्जा की फोटो लगा दूंगा ना तो एक हजार लोग उसको लाइक करेंगे ये सोशल मीडिया की सच्चाई है तो इसीलिए आपको भी बार बार कोशिश करती रहने हो गई कि कम से कम वो दस दोस्त ढूंढ लू जो पच्चीस पच्चीस रुपए दे तब जाकर के मेरे ढाई सौ रुपए पूरे हो जाए सो so, अब सोशल मीडिया का जो व्यवहार है जो कि एक तरीके का यहाँ पर लोगों का बिहेवियर है वो हम ही लोग तय करते हैं राइट अम्म तो अगर हम चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं जरूरी नहीं है कि पिज्जा की फोटो ही लगाई जाए आ, किसी गरीब बच्चे को अगर आप पढ़ाई करवा सकते हैं सो देर इज नथिंग बेटर अब काफी सारी बातें थ्योरी की थी आपकी एक दोस्त है यहीं पर जो कि एक्चुअली योलो का पार्ट है एक प्रोग्राम जो कि हम लोग चलाते हैं तिशा आप कुछ बताना चाहेंगे माइक ऑफ करके योलो के बारे में आपको इसके बारे में पता कैसे चला आपने इसको ज्वाइन कैसे किया

ओके okay. अरे वाह आपके पापा के में ज्वाइन था तब से आपने किया। तो दोस्तों पता नहीं लेकिन और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आई अप्रैल से लॉकडाउन की वजह से फिजिकल इंटर्नशिप जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है कैंपेन योलो जो कि एक महीने से लेकर के छह महीने तक की आपकी इंटर्नशिप होती है यहाँ पर अलग अलग टास्क हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं अगर आप में से भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इंटर्नशिप करने में क्योंकि और मैं इस इंटर्नशिप की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटर्नशिप एग्जैक्टली सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज से रिलेटेड है तो इस इंटर्नशिप में आपको एक ग्रुप मिलता है माई पिन कोड का जो कि आपको चलाना होता है साथ में ही अलग अलग कैंपेन्स होते हैं जिसका आप पार्ट बनते हो फॉर एग्जाम्पल ये लाइब्रेरी वाली कैंपेन जो हमारी है प्रोजेक्ट पेपर ब्रिज जिसका नाम है या फिर नॉर्थ ईस्ट मैटर्स ये कैंपेन थी जो कि हम लोगों ने की जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के दोस्त हैं उनका जो डिस्क्रिमिनेशन वो लोग फेस करते हैं उसके खिलाफ और अब जो तीसरी कैंपेन हमारी शुरू होने वाली है इनफैक्ट आज से जिसका नाम है सेफ्टी सेप्टेंबर जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन सेफ्टी की अभी कुछ लोग बात कर रहे थे बच्चों की एजुकेशन की तो एक प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं उसका नाम है योलो किड्स जिसमें नोएडा गुड़गांव और दिल्ली के स्लम्स के बच्चे हैं जिन्हें हम फ्री में पढ़ा रहे हैं और जिनके पास साधन नहीं है जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल फोन या स्मार्टफोन नहीं है तो हम उनको ये स्मार्टफोन और मोबाइल फोन प्रोवाइड भी करते हैं तो काफी सारी मुहिम है जो कि चल रही है देर आर लॉट्स ऑफ कैंपेन्स दैट आर एक्टिव ऑनलाइन वेयर पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प इट इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग दैम एंड ज्वाइनिंग दैम तो जिस तरीके से तिशा के डैड की वजह से उनको हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चला ऐसे ही आप सब लोगों के द्वारा भी अगर लोगों को सोशल कैंपेन्स के बारे में पता चलता है देन यू बिकम अ एजेंट ऑफ चेंज सो नॉट ओनली इज इट इम्पॉर्टेंट टू यू नो आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोस्तों की फोटो लाइक करिए और कमेंट करिए इन्वॉल्व होने का थोड़ा सा प्रयत्न करिए इट इज क्वाइट यूजफुल एट द डे हम लोग तो यही काम करते हैं पंद्रह साल हो गए ये काम करते हुए और uh, uh, जब भी कोई हमको आकर के बताता है कि अरे यार तुमने तब हमारी मदद की थी अब इतना सब कुछ बदल गया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसी पिछले चार महीने की अगर मैं बात करूं तो माई पिन कोड ग्रुप के द्वारा 700 सौ जिंदगी ऐसी हैं जो बचाई गई रक्तदान के थ्रू तो बिकॉज ऑफ ब्लड डोनेशन वी वर एबल टू सेव 700 हंड्रेड लाइव चालीस हजार परिवार ऐसे थे जिनको हम लोगों ने राशन दिया तो आ, ऐसी मदद भी की जा सकती है सोशल मीडिया ग्रुप्स को यूज करते हुए चलिए बहुत देर से मैं बातचीत कर रहा था और आप लोग जवाब दे रहे थे अब आप लोग के कुछ सवाल ले लेते हैं अगर अभी तक कुछ सवाल आपके मन में हो कुछ जानना चाहते हो नाउ इज अ गुड टाइम टू आस्कडी एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड हैप्पी टू आंसर दम सर हाउ कैन वी अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप एक बड़ी अच्छी सी ईमेल है uh, जो मैं पता करके आपको बताता हूँ um, इस ईमेल पे बस खाली आप सिंपली uh, uh, अपना नाम और एक छोटा सा सीवी वी लिख करके भेज दीजिए प्रीति कह रही सर आपने सब बता दिया अब मैं और नहीं सुन सकती बहुत हो गया एक घंटे से सर आप बता रहे हो ठीक है प्रीति गुड 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 दैट एवरीथिंग इज क्लियर दैट इज रेली ग्रेट टू नो अगर uh, और कोई सवाल हो तो प्लीज 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 ओके ऑल राइट ग्रेट इट इज इट इज वंडरफुल दैट बिल्कुल ये जो ईमेल है योलो इंटर्नशिप एट जी मेल डॉट कॉम इस ईमेल पे आप लोग अपना नाम और एक छोटा सा सीवी बना करके भेज सकते हैं और टीम आपके कनेक्शन में आ जाएगी और जल्दी कोशिश करेंगे आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ओपन प्रोग्राम है तो अगर किसी का भी मन करे ज्वाइन करने का वो अगर किसी और कॉलेज में भी पढ़ता है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर दिस ई एंड द आइडिया इज दिस और एक व्हाट्सएप नंबर भी है अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो एप्लीकेशन के लिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कोई भी आप सवाल भेज सकते हैं योलो के जो को फाउंडर हैं उनमें से एक ने हिसार में ही पढ़ाई की थी तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप ही के शहर के एक स्टूडेंट आज इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है योलो uh, का बेनिफिट यो क्या है अब uh, बेनिफिट uh, uh, दो तीन चीजों का है um, आपको एक तो सिखाया जाता है कि आप uh, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें सोशल चेंज के लिए साथ ही साथ आई थिंक मोक्ष का जो सब इंटर्न ने मुझको बताया एंड आई थिंक तीशा वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन इन सब लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बड़ी इंप्रूव की है इस एक महीने में वो सब लोग जो पहले लोगों से बात करने में झिझकते थे अपनी बात कह नहीं पाते थे एक ग्रुप में एक समूह में वो लोग खुल करके अपनी बात अपने आइडियाज प्रेजेंट करने लग गए क्योंकि कुछ योलो में हर दिन एक चीज जरूर होती है कि आपकी मीटिंग होती है आपके ग्रुप लीडर के साथ आपके ट्रीम लीडर के साथ तो आपका जो एक छोटा सा वो होता है ना हम लोग खास करके आ, मेरे जैसे जो बच्चे हैं जो कि छोटे शहरों से आते हैं हम लोग बड़ा झिझकते हैं अपनी बातें कहने में लोगों से हम लोग को लगता है अरे वो सामने वाला क्या सोचेगा हमारी अंग्रेजी टूटी फूटी है लेकिन एक महीना ये करने के बाद आपका दिल एकदम खुल जाता है आप में कॉन्फिडेंस बड़ा आ जाता है सो आई थिंक द बिगेस्ट गेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल टूडे किसी ने पहले लिखा भी था स्किल्स और पर्सनैलिटी सो योर पर्सनैलिटी डेवलप्स रेली वेल विच इज इंपॉर्टेंट टू रेली शेयर योर आइडियाज राइट आप सब लोग हो इतने तेज हो कॉन्फिडेंस लेवल दीक्षा पड़ता है और uh, दूसरी बात जो मुझे लगती है uh, हमें हमेशा डर लगता है कि अरे हम गलत जवाब तो नहीं दे रहे और एक्चुअली कोई गलत जवाब नहीं होता हो सकता आपको पूरा जवाब नहीं आता हो बट इट रियली हेल्प्स यू इन

यू नो राइट नाउ हम लोग एक कॉलेज में है एक ही सह, शहर से है तो सब लोग के एक्सपीरियंस एक जैसे है लेकिन uh, योलो में uh, चेन्नई से भी लोग हैं मिजोरम से भी हैं कश्मीर से भी हैं मुंबई से भी हैं सो यू गेट टू मीट एंड लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द सेम एज ग्रुप वो आप ही के उमर के हैं वो कॉलेजेस में है सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवर दट Uh, more than yolo uh, still any questions regarding uh, social media for social change i'll be really happy to answer them yes students if anyone is having any sort of query they can ask to sir No one is having any query. You all are satisfied with the session. <laughs> I think in anyone is there who. Uh, अ mokshika has a very good question sir. Why is social media अ uh, necessary? अ uh, मोक्षिका I don't think it is necessary. अ necessary तो आपके घर की छत होती है, खाना होता है, पानी होता है, हवा होती है. जहां पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर uh, बॉलीवुड के गाने और क्रिकेट देखते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर अपने करियर्स बना लेते हैं राइट दे यूज सोशल मीडिया फॉर अ पॉजिटिव चेंज जैसे कि अभी कुछ दोस्तों ने बात की गर्ल uh, चाइल्ड की एजुकेशन क्या ऐसे दस पंद्रह गरीब बच्चे हैं लड़कियां हैं लड़के हैं जिनको आप पढ़ाना चाहेंगे अपने कॉलेज के आसपास सोशल मीडिया उसका एक जरिया बन सकता है सो so, uh, जैसे कोई भी टूल uh, होता है जिंदगी का uh, एक हथौड़ा है उससे आप घर बना सकते हो या किसी का सर फोड़ सकते हो तो सोशल मीडिया का यूज use भी यूजर पे डिपेंड करता है सो इट इज नॉट नेसेसरी बट आप ही के नीचे जो कमेंट सिमरन ने लिखा है कि यू नो हाउ टू कनेक्ट विद मोर पीपल i think it is a good way to connect with a lot of people uh, ek uh, social media ka uh, platform hai linkedin i don't know uh, how many of you have seen it but i'll highly recommend it for students uh, uska link bhi main yahan par dal deta hu isme kya hai ki log uh, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं या अपने प्रोफेशनल नेटवर्क uh, को बनाते हैं तो इसको जरूर एक बार आप लोग चेकआउट करिएगा लिंक एक बड़ा ही अद्भुत सोशल नेटवर्क है जो कि नौकरी काम पढ़ाई से रिलेटेड है और यहाँ पे इसी की बातचीत होती है और लोग इसी पे फोकस करते हैं uh, अरे मोहित को मेरी ये बात याद है पिछले सेशन की क्या बात है मोहित थैंक यू वेरी मच दोस्त बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारी बात सुनता है ओके ग्रेट पीपल हैव इट आउट प्रीति हेल्प करना चाहती हूँ वेल प्रीति इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन सोशल चेंज तब तो मैं आपको योलो की हमारी इंटर्नशिप एकदम रेकमेंड करूंगा कि आप आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का तो पता नहीं लेकिन नौकरी के लिए काम के लिए लिंकन बहुत जरूरी है तो जितनी जल्दी हो सके एक अच्छी सी प्रोफेशनल <coughs> अपनी प्रोफाइल लिंक पे बना लीजिए एंड इट विल बी वेरी वेरी

चलो बहुत बढ़िया सुशील को भी याद था लिंक्डइन पिछली बार से सर्टेनली इफ द वेबसाइट इज ऑफरिंग एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स गवर्नमेंट पोर्टल्स आर वेरी वेरी यूजफुल और सरकार ने अभी काफी सारे पोर्टल्स बनाए हैं जो कि स्टेट uh, में भी एक्टिव हैं और सेंट्रल uh, गवर्नमेंट की तरफ से भी है सो इफ यू हैव

चलिए टीचर्स तो वैसे आप लोगों से पूछती रहती है लेकिन खुद का भी थोड़ा फीडबैक मिलना चाहिए आप लोग को सेशन समझ में आया मजा आया कैसा था पिछला एक घंटा और खुल के बोलना मुझे मुझे बुराई से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट सेफ्टी से इंटरेस्टिंग थैंक यू दिनेश थैंक यू मंजीत सेफ्टी सेप्टेम्बर के बारे में अभी मैं आप लोग को एकदम दिल खोल के बताता हूँ थैंक यू थैंक यू चलिए अरे बुराई भी कर सकते हो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक यू थैंक यू मोहित थैंक्स वेरी मच थैंक यूक यू दीक्षा September के बारे में थैंक यू थैंक यू Thanks वेरी मच चलिए चलिए आपके टीचर्स के सामने आप सब लोग बढ़ाई कर रहे हैं हो सकता है बाद में भी बढ़ाई करें तो अच्छा ही लगेगा सो सेफ्टी सितंबर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते एक अच्छी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास होता लेकिन अब ये ऑनलाइन हो रहा है ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन होनी शुरू हो गई है लेकिन ऑनलाइन सेफ्टी पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हम लोगों ने थोड़ी बात पिछली बार इसके बारे में की थी तो हम लोग सेफ्टी सितंबर में पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे कैसे पासवर्ड बनाया जाए कौन कौन से वो रूल्स और रेगुलेशन है जो हमको इंटरनेट पे फॉलो करने चाहिए <coughs> कैसे हम लोग बच्चों से बात कर सकते हैं ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसको बहुत ही फन मजाक ह्यूमर के थ्रू लोगों को बताया जाए ये नहीं कि अरे इंटरनेट बंद कर दो अपना पासवर्ड ऐसा कर दो वैसा कर दो बल्कि एक एंगेजिंग और इंटरक्टिव तरीके से तो उसमें आ, 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 आप लोग कैसे भाग ले सकते हैं तो आ, जैसे कि आ, तिशा हमारी इंटर्न है योलो की ऐसे ही बहुत सारे इंटर्न वीडियोस बनाएंगे पोस्टर्स बनाएंगे आ, अपने आ, आ, मीम्स बनाएंगे जिससे हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी की अवेयरनेस बढ़ा सके तो कोशिश हमारी यही है कि हर स्कूल और कॉलेज में हमारी बात पहुंचे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचे और कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जा सकती है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाए आप सब लोगों के पास तो जूम है मोबाइल फोन है लैपटॉप है लेकिन ऐसा होगा कि आपके माता पिता को ज्यादा ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में समझ में नहीं आता ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में अवेयरनेस जागरूकता फैलाने की ये एक हमारी पहल है जो पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है और अलग अलग भाषाओं में की जा रही है सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वी नीड ऑल द सपोर्ट तो अगर आप लोग हरियाणा से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन इन दैट्स द कैंपेन विल बी वर्किंग ऑन थ्रू आउटल amazing yeah i look forward to all your uh, participation and hum log bas achhi baat yolo ki ya social media matters ki ye hai ki boring kaam bahut kam karte hain kyunki khud bhi bahut jaldi cheezon se bore ho jate hain so we try and only do interesting work so if you intern with us or if you uh, come and join a campaign we try to make it as interesting as possible yeah yeah definitely sir thank you so much sir इट वॉज अ वेरी वंडरफुल सेशन सर आई होप की स्टूडेंट्स को उनके क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा सर बिकॉज द वे यू टोल्ड की आज जो टाइम है प्रेजेंट में कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंक्रीज कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो देयर शुड बी ए प्लेटफॉर्म की हम किस तरह से पास आ सकें किस तरह से लोगों तक पहुंच सकें तो सोशल मीडिया इज गोइंग टू हेल्प इन दीज थिंग्स So I would like to say one thing, sir. as in your early session, you interacted with the students. It was really wonderful. And today also, students student are also looking forward for your another session. The way they are interacting with you, sir, I think they are also looking for the another session. So now I would like to uh, welcome our respected Sangeeta ma'am to give you a pleasant vote of thanks. Thank you, sir. Thank you again. थैंक यू शगुन मैम नमस्कार सर हाँ जी अमिताभ सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें और हमें इस वर्कशॉप सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज में और वाकई में मुझे लगता है कि आज का ये हमारे जो ये आपदा है हमारी महामारी इसका एक ज्वलंत विषय है और हमें सब सभी को एक एक्टिव रूप में इसे पार्टिसिपेट करना चाहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार और आ, साथ ही मैं ये गुजारिश करूंगी कि हमें जब भी आवश्यकता होगी इस टाइप के वर्कशॉप की आप जरूर शिरकत करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हम सभी लोगों के साथ धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद thank you thank you to all the participants our respected guest and all the teachers who have participated in this webinar thank you thank you so much I request to all the students, please, अपनी अपनी ऑन कर लें Hello? सभी स्टूडेंट्स yes, student. अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें यस वेट अ मिनट अभी कोई नहीं छोड़ के जाएगा के यस थैंक्स ऑल और ये जो फीडबैक लिंक है आप में से कोई भी ग्रुप में नहीं डालेगा बेटा ये रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को फीडबैक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा क्लियर कोई भी फीडबैक लिंक को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा ओके थैंक यू थैंक्स टू ऑल ओके थैंक यू थैंक यू एवरीवन